डोसे के साथ ऐसी चीज खाएंगे यार, कमाल ही। ये डोसा नहीं है भाई, ये डोसा नहीं है, ये डोसा वैसे बोल रही, कुछ हो रहा है। नमक डालने का स्टाइल सॉल्ट बे को फेल कर दिया, दिमाग टोरनेडो बना के डाल, टमाटर ये वो और ऊपर ऐसे हाथ चला के, हाईलाइट है वो ये चीज है, मुंह में जो पानी आया इसकी वजह से। तो ये बैटर है भैया अपना डोसा का? हाँ ये बैटर है। ये थोड़ा पीलेपन में क्यों है? ये इसमें अपना बेसन और सूजी का है ना, बेसन और सूजी का बैटर है ये ना। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेश। धर्मेश यार अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, ओपन किचन है, आप थोड़ा ऊपर करके देखो, सामने बिल्कुल रोड है। अब ये है बटर तवा के ऊपर, बटर कौन सा ही? अमूल का। अमूल का बटर ग्राहकों को भी इतना मिलता है, कैमरे के लिए आप ज़्यादा डाल रहे हो? ग्राहकों को भी इतना। कई जगह हमारे भाई बोल देते हैं कि भाई वीडियो में मक्खन बहुत था, हमें कम मिला, पर भाई साहब कह रहे हैं कि ये मिलता है इतना ही है। बटर के ऊपर आ गया जी टमाटर, अब ये ऊपर आया जी आलू, जिसके बीच में हल्की हल्की राइस मुझे नज़र आ रही है, ये ऊपर आ गया बिल्कुल फाइन डाइस हो गया पनीर। अभी जो मैजिक है ना वो खुशबू का लग रहा है यार, ये अपना बहुत शानदार लग रही है। हरा कांदा स्प्रिंग ऑनियंस है ना, इंग्लिश आती है स्प्रिंग ऑनियंस, गरम मसाला आ गया। धर्मेश भी आप कितनी देर से बना रहे हो डोसा? हमको हो गए करीबन 7 साल। 7 साल पर अभी आपको देख के लग रहा होगा डोसा तो कॉमन सा लग रहा है, बट यार ये डोसा ना जिसमें सर्व किया जाता है, जिसमें बनेगा, वो देख के आप चीज़ हैरान होने वाले हो। और ये चीज़ हमने शूट नहीं करी अब तक ऐसी। यार आजकल जो इंडियन स्ट्रीट फूड है उसमें इतने तरह के फ्यूजन हो रहे हैं ना, अब ये आजकल का फ्यूजन नहीं है, ये चीज़ें बहुत देर से चल रही हैं, बट हमारे शहर लुधियाना में ये चीज़ें अब आई हैं। तो एक तरह से सब्जी सी बन गई है इसके ऊपर, ऐसी वैरायटी तुम्हें लुधियाना में कहीं नहीं मिलेगी यहाँ की चीज़ें। सही बता रहे हो। कितने तरह का डोसा होता है वैसे भैया अपने पास? कम से कम 150 वैरायटी। 150 तरह का डोसा, तो लाल मिर्च की आती नज़ार जो कलर है ऊपर, बिल्कुल हो गया सब्सक्राइब बटन के जैसा। बट कई भाइयों को ये बटन पता नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करो यार। काफ़ी देर से डोसा जो है तवे के ऊपर रखा हुआ है ना भैया, जल्द नहीं जाएगा? कलर देख सकते हो पेस्ट का, बिल्कुल मिक्स कर दिया पानी के साथ, और ये खुशी आ चुकी है जो है पनीर। अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ पे आपस में लोग टकराते तो नहीं बाहर? नहीं नहीं, क्योंकि खुशबू बढ़ी है ना, बंदा इसमें खो के आपस में टकरा जाए। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा नहीं है भैया, कह रहे हैं ऐसा नहीं है गाइस। मक्खन भैया ने और डाल दिया और साथ में क्या डाले शर्मा जी? हरा धनिया और खुशबू की इस वक्त क्या ही बात है। एक जो यार ये डोसा का मजा है ना, इतनी देर से शर्मा जी ऑलमोस्ट 10 मिनट तो हो चुके हैं डोसा तवा के ऊपर है, पर अभी भी भैया कह रहे जलेगा नहीं, उसका राज है जी इसके नीचे, वो राज है कोयले। ये गैस की भट्टी नहीं है, कोयले पे आराम से धीमी धीमी आंच पे बन रहा है। इसका नाम वैसे क्या लेते हो भैया? मटका मैसू। मटका मैसू डोसा। तो अभी आपको राज पता लग गया होगा किस में आएगा, मटके में। कौन सा डोसा बन रहा है ये? प्लेन डोसा। प्लेन डोसा, तो जो नीचे अपना बैटर रहता है वो सब में सेम ही रहता है, तो अक्सर वो सफ़ेद रंग में होता है, ये थोड़ा पीला पीला है। वो अपना क्या है, चावल और उड़द की दाल का होता है। और ये किस चीज़ का है? ये अपना बेसन और सूजी का है। अच्छा, बेसन और रवा। फिर यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं ना, सेटअप बड़ा कमाल का, ये दो साइड तो लगा हुआ डोसा और सामने इतना बड़ा तवा लगा हुआ, उस तवे पे क्या बनता है भैया? उसपे पाव भाजी है और पुलाव है। अच्छा, वो भाई साहब बनाते हैं जी। भैया क्या नाम है आपका, आप नाम बताओ? पिंटू। पिंटू भैया, तो पिंटू भैया आप क्या बनाते हो यहाँ पे? पाव भाजी है, पुलाव है। पाव भाजी और पुलाव, पुलाव खिलाओगे बढ़िया सा बना के? क्या बात है। ये जी अपना, अच्छा ये सारी भाजी इसमें जाएगी मटके में, और ये मटके के साथ ही सर्व होगा, और इस वक्त खुशबू ने अपना पूरा पूरा जलवा बिखेर रखा है यार। ये चीज़ तो बाल है, इसके साथ सांभर नहीं इसमें भी मिलता है ना? सांभर भी मिलता है, सांभर चटनी सब कुछ, कमाल चीज़ है। ये देखो यार भाजी का कलर चेक करो शर्मा जी, ऊपर पनीर देख रहे हो? और ये बिल्कुल डोसे के साथ ऐसी चीज़ खाएंगे यार, कमाल ही। ये डोसा नहीं है भाई, ये डोसा नहीं है, ये डोसा वैसे बोल रही, कुछ हो रहा है, ये डोसा नहीं है। आप इसको क्या नाम दोगे बताना जरूर। अभी ये रोल है अपना, रोल हो रहा है, कोन बन रहा है बेसिकली, बड़े साइज का कोन है ये। यार जब छोटे होते बर्थडे में जाते थे ऐसी टोपी मिलती है ना, और क्या। अच्छा ऐसा कुछ है ये, क्या बताए, ये फाइनल है भैया? ये नहीं नहीं अभी फाइनल नहीं है, अभी फाइनल नहीं है। ये लग रही है जी हमारी प्लेट डोसा की, पहले ये कौन सी चटनी है भैया? लाल चटनी। लाल चटनी वाला, ये वाइट लाल चटनी, और ये आ गई हमारी सबकी फेवरेट नारियल चटनी। अब और क्या आएगा भाई साहब साथ में? अब सांभर आएगा। सांभर, सांभर का रंग शर्मा जी कैसा है ना, बीच में दाने दाने से क्या, इसमें नारियल का, नारियल का बुरादा डालते हो? वाह यार
नारियल का बुरादा डाला हुआ सांभर के अंदर, ये प्लेट तैयार होगी। अब ये खट पड़ा जी हमारा डोसा, ये आ रहा है जी चीज ग्राइंड होकर। शर्मा जी चीज तो हैवी है यार ये, इस हिसाब से माउंट ऑफ इसमें सामान आ गया ना। अब ये क्या है सर? ऊपर काजू और किशमिश और ये चेरी। ये देखो नो गुड, ये कुछ अलग लगा। ये अपना आ गया गाजर बीट, बीट चुकंदर जी। पर शर्मा जी रंगीन तो चीज बन गई है, अब स्वाद में देखते कैसा मजा। ये क्या है भैया? धनिया। अब तैयार है तो यार ये चीज चेक करो, ये गुलदस्ता ही बना है एकदम। ये रहा बटर, तवा का साइज यार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, किंग साइज तवा। ये रहा बटर और ये रहा तेल, और ये थी सच्चाई जो बताया गया कि बटर के साथ तेल है, नहीं तो लोग बटर ही बता देते। आपने बनानी तो शुरू कर दी भैया, पुलाव बना कौन सा रहे हो आप हमारे लिए? नानक स्पेशल, नानक स्पेशल पाव पुलाव। ये गया फाइनली चॉप्ड प्याज तवे के ऊपर, ये आ गया शिमला, अब ये आ गई पत्ता गोभी, ये रहा अपना पनीर, ये रहा ब्रेड। लोग यार चाउमीन में इतना सामान नहीं डाल रहे भाई साहब ने, पुलाव के अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स डाल दी, और संघर्ष देख रहे हो आप वीडियो बनाने का। तो जो अपने इसमें चावल यूज किए जाएंगे वो बॉइल्ड आएंगे ना। अभी अपना मटर आ गया भैया, मटर आ गया, ये आ गया अपना लहसुन पानी, ये लहसुन का पानी आ गया, ये अपना आ गया टमाटर। सामान यार एकदम भर भर के आ रहा पुलाव में, अभी चावल मेन चीज आ रही है पर सामान बहुत आ गया। हरा कांदा, हरा कांदा चावल साइड पे डाला आपने ना। नमक डालने का स्टाइल सॉल्ट बे को फेल कर दिया, घुमा के टॉर्नेडो बना के डाला। तो ये पुलाव आ गया सीधा प्लेट के अंदर, तवे से डायरेक्ट प्लेट में। यार डोसा का जब हम दिमाग में नाम आता है ना, बचपन से लेके आपने भी डोसा खाया होगा, हमने भी खाया, तो हम सोचते हैं वो लंबा सा तवा होगा, उसमें ऐसे ऐसे यूं यूं करके ना देखो ऐसे डोसा बनाया जाएगा, और ऐसे गोल करके प्लेट में डोसा दे दिया जाएगा। पर ये चीज़ अब ये देखो यार, ये बुके ऐसा, इसके अंदर वो माल मसाला बहुत डाला, धनिया वनिया और ड्राई फ्रूट्स, चीज़ बीच में चला गया, वो बीच में चला गया। अब ये ऐसे उसको उठाएंगे ना, जब अंदर देखो आप अंदर, ये जी अंदर भाजी पनीर की, बड़ा कुछ डाला इसमें, मेकिंग आपको पता है, पनीर टमाटर ये वो, और ऊपर ऐसे हाथ चला के ना, हाईलाइट है वो ये चीज़ है। मुँह में जो पानी आया इसकी वजह से वो कमाल है। ये सांबर है, सांबर में है जी नारियल का बुरादा, तो फटाफट करते हैं इसको टेस्ट। ये देखो ऐसे है इसको, ऐसे ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो, हाँ ऐसे कर लेते हैं, हाँ दिख जाएगा थोड़ा। अब देखो इसको हमने लिया तोड़, अब लेते हैं जी ग्रेवी पनीर की, एक बार उठा के निकाल के पूरी अंदर से, ये देखो अंदर से बॉटम ऑफ द मटका। अब इसमें पानी का प्रयोग ना मात्र किया गया तो ग्रेवी है जी बड़ी थिक, मतलब जितना उन्होंने ग्रेवी बनाने में पानी डाला ना, उससे ज़्यादा पानी इस टाइम मेरे मुंह में है। अब ये है जी बाइटा, यार डोसा तो हम बिल्कुल कतई नहीं कह सकते। अब आप अगर किसी दुकान पे या कहीं कार्ट पे जाके गार्लिक वार्लिक नान के साथ ग्रेवियाँ खाने वाले बंदे हो ना, तो वो जो आपकी वैसी भूख है ना, उसको ये चीज़ रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट है। जो ग्रेवी भी है ना, उसका फ्लेवर बड़ा ही चटपटा है, मसालेदार बोल सकते हो, पर इतना भी नहीं, मतलब यार जैसा अपना पैलेट है ना, जैसा हमें स्वाद पसंद है, चटपटा मसालेदार, तीखा वो चीज़ है। ये सांभर का करते हैं मुआइना, बढ़िया चीज़ है। प्लेन डोसा सांभर के साथ खाना इनका मज़ा आ जाएगा, अगर आप डोसा खाना चाहते हो। अगर चाहिए कुछ हटके कि मतलब ऐसा कोई स्वाद ले यार जो मज़ा भी आए, ये चीज़ लगवाओ, 200 रुपये में मेरे को वर्थ लगे। तो भाई जी ये अपने सामने है जी प्लेट, और प्लेट में ऊपर दिया इन्होंने भाजी, साथ में राइस किया, और राइस के नीचे है काजू किशमिश और नींबू और दो मिर्चे, और ये है पुलाव, साथ में दिया है भाजी। तो एक छोटा सा स्पून पहले भाजी का हम टेस्ट करेंगे, उसका फ्लेवर है कैसा। ओहो नाइस, जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी ना, जैसे जैसे वो अदरक लहसुन का वो पेस्ट डालते हैं ना, उसकी खुशबू और वो सारी गेम चेंज कर देती है। फिलहाल हम ये ट्राई करते हैं एक बढ़िया सी बाइट,
इसमें हम थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले लेंगे। इसकी लुक भाइयों थोड़ी फ्राइड राइस जैसी लग रही शर्मा जी। हाँ बट फ्राइड राइस जैसा है कुछ नहीं, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, काजू किशमिश भी है। मेरे फ्राइड राइस में काजू किशमिश नहीं होती। खाओ तो अच्छे से खाओ, क्योंकि आपको पता है थोड़ा थोड़ा चल रहा है आजकल, कम खा रहे। नाइस गुड। एक बारी और, एक स्पून और, वही फ्लेवर जो मैंने बोली ना, गार्लिक का फ्लेवर, गार्लिक का टेस्ट जो केक है उसकी, वो कमाल कर रही है। पर भाजी अगर साथ में दी है तो क्या पता इसका जो कंप्लीट स्पून है इसी के साथ बनना हो। अब ये बनी कोई बढ़िया बात, ये दोनों चीज़ें साथ में बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, जो पुलाव और फ्राइड राइस जैसे बोला भाई पाजी ने कि फ्राइड राइस लग रहा है, फ्राइड राइस नहीं लग रहा अगर आप ये ले लोगे। बहुत ही कैंट जो केक आएगी ना आपको मसालों की और गार्लिक की, एकदम ब्लास्ट होएगा मुंह में, कैंट मज़ा आएगा आपको। वो कहते हैं ना स्वाद आ जाएगा आपको। और साथ में ये भी है, ये एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, मैंने किया नहीं है क्योंकि पाजी ने जितनी तारीफ़ कर दी है ना इस चीज़ की। ये देखो इसमें आगे हैं चावल, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फ्लेवर मिस हो जाए हमसे। चीज़ों का फ्यूजन है, अलग फ्लेवर्स हैं, नए नहीं है बट जो मिक्स एंड मैच किया ना वैसा नहीं है कि फेल एक्सपेरिमेंट होगा कुछ। बहुत अच्छा टेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसकी एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यार, ये कटोरी की क्वांटिटी सही है ना। हाँ ये मटका है, ढाबा वगैरह पे इतना बिल्कुल उतना तो है, क्वांटिटी ऑलमोस्ट उतनी ही है। अच्छा टेस्ट, अच्छी क्वांटिटी, अच्छा प्राइस। और लोकेशन आप ये देखो, साथ में बिल्कुल कृष्णा मंदिर है, ठीक है जी, उसके बिल्कुल अपोजिट है नानक सुपरमार्केट, नानक डेयरी भी जिसे कहते हैं लोग, यहाँ पे उनके बाहर ही उनकी कार्ट लगती है। कार्ट का नाम है जी चारकोल डोसा, जहाँ पे आपको चारकोल वाले डोसाज मिल जाएंगे और बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। बाकी हमें रिक्वायरमेंट आपके प्यार की, आपके सत्कार की और आपके सब्सक्राइब की और लाइक्स की और कमेंट्स की, कमेंट्स की झड़ी लगा देना, कड़ी लगा देना। लोकेशन प्राइसिंग हर बार की तरह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखा करो। बाकी हमें मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।